वम शॉपिंग शोरूम शादी विवाह के संपूर्ण फर्नीचर के साथ आपके घर को सजाना फर्नीचर की अच्छी रेंज के साथ बाजार से कम दामों की गारंटी। हमारा पता हटा रोड हटा नाका गुलाब बाबा मंदिर के बाजू में दमोह। एक बार अवश्य पधारें। दिवाकर हौजी गर्ल्स वेयर मिलने का एकमात्र स्थान जहां मिलेगी फैंसी ड्रेस जीन्स टॉप लेगी कुर्ता प्लाजो कुर्ते वो भी नए नए डिजाइन में। एक बार अवश्य पधारें। बर्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह नगर पालिका में अविश्वास प्रस्ताव लाने बड़ी संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षद व निर्दलीय पार्षद आज कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात की। कलेक्टर से मुलाकात करने के बाद मीडिया के सामने उन्होंने क्या कुछ कहा इस संबंध में हम आपको सुनाते हैं। वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष के भ्रष्टाचार के खिलाफ शहर में आप देख रहे हैं किस तरह से सफाई व्यवस्था और बाकी सारे विकास के काम अस्त व्यस्त हैं, और मुझे लगता है भ्रष्टतम नगर पालिका वर्तमान में चल रही है। इसके अविश्वास के खिलाफ हम लोगों ने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है, उस संबंध में चर्चा की। क्या आश्वासन मिला, कब तक अविश्वास को पता है? अब देखते हैं, जल्दी उसकी कोई निर्णय हो कोई बात होगी। फिर क्या सहमति बनी, कौन बनेगा अध्यक्ष? अब हमारी भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा है, कमल का फूल ही प्रत्याशी होता है और कमल का फूल ही जीतता है। संगठन तय करेगा जी। बताएं गाड़ी करेंगे, क्यों आए थे आज, क्या हुआ? आज हमें हमारे जो सारे पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के, सभी ने आज एक पत्र दिया है कलेक्टर साहब को कि हम अविश्वास प्रस्ताव नगर पालिका में लाना चाहते हैं, और अब देखते हैं शासन क्या कार्रवाई करता है। क्यों लाना चाहते हैं, ऐसा क्या हुआ है नगर पालिका, क्या काम नहीं हो रहे हैं या क्या हुआ? अब ये बहुत सारे विषय भी हैं, बहुत सारी बातें भी हैं, आप सब जानते हैं, परिचित हैं सब लोग। और चूँकि एक नियम था 2 साल के बाद पत्र देना ही, वो तो उसके लिए सभी लोगों ने एक प्रयास किया है। क्या आश्वासन मिला? अब उन्होंने बोला है हम देखते हैं जो नियम संगत होगा वो करेंगे। किस तरह की बात हुई है दमोह कलेक्टर? क्या हमारे सारे पार्षद भारतीय जनता पार्टी के सारे पार्षद एकत्रित होकर आए थे, क्योंकि 2 साल से हमें जनता को जवाब देना है। 2 साल निकल चुके और नगर पालिका का बुरा हाल है। सारे पार्षद एकजुटता के साथ यहाँ आए हुए हैं और सबने आवेदन दिया है कि अविश्वास के लिए कि ऐसी नगर पालिका हमें नहीं चाहिए जो दमोह में विकास नहीं करा रही है। और जनता बहुत त्रस्त है, और जो अविश्वास के बाद देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, वो हम लोग सब मिलके करेंगे। तो भाई भारतीय जनता पार्टी कोई कदम उठाती है तो बहुमत के ही साथ उठाती है। लगभग कितने पार्षद वो हम बताएंगे आपको, लेकिन ये बात जरूर है कि अध्यक्ष भाजपा का बनेगा।